प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति तथा परंपरागत वन्य निवासियों को भी अब सामूहिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि छोटे किसानों की आय बढ़ सके। कोरिया जिले की बात करें तो वहां वन अधिकार अधिनियम का लाभ ले रहे आदिवासियों और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 8 विभागों ने मिलकर एक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत उन्हें खेती के अलावा मत्स्य पालन और उद्यानिकी से जोड़ा जा रहा है। इसमें मनरेगा की भी मदद ली गई है। विकासखंड बैकुंठपुर के सहायक मत्स्य अधिकारी एसके द्विवेदी ने बताया कि विशेष पिछड़े जनजाति पंडु सहित अन्य आदिवासी परिवारों को मछली पालन से जोड़ा जा रहा है। वहीं उद्यानिकी विकास अधिकारी जेएस ध्रुव ने बताया कि बैकुंठपुर विकास खंड में किसानों को मुनगा आम कटहल जैसी उद्यानिकी खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम देवकुल मुरमा में वन अधिकार पट्टाधारियों को हमारे खेत हमारे आजीविका के द्वारा आमदनी उपलब्धि करने के लिए सभी सम्मिलित विभाग जिसमें आप जल संसाधन विभाग क्रीड़ा विभाग कृषि विभाग मछली पालन विभाग पशुपालन विभाग सभी के सहयोग से यहाँ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें उद्यानिकी विभाग के माध्यम से कृषकों को अधिक आमदनी में वृद्धि के लिए और उसकी आजीविका के लिए मुनगा के पौधरोपण का कार्य मुख्य रूप से लिया जा रहा है। बैकुंठपुर विकासखंड में वन क्षेत्र करीब 150 एकड़ में फैला हुआ है। किसानों और आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए वन भूमि को क्लस्टर बनाकर खेती और मछली पालन के लिए उन्हें दिया गया है। न्यूज डेस्क आकाशवाणी समाचार रायपुर।